हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 10 का सीबीएसई का सैम्पल पेपर, जो कि सीबीएसई ने जारी किया गया है 2022-23 सेशन के लिए 80 मार्क्स का। और इसमें हम ए, बी और सी सेक्शंस कर चुके थे और आज करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में बच्चों 3 क्वेश्चन हैं हमें करने जो हैं। उसमें क्वेश्चन है 34, 35 और क्वेश्चन नंबर 36। अब ये तीनों क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क्स का है, यानी कि टोटल सेक्शन कितने मार्क्स का हो गया आपका, 15 मार्क्स का हो गया। तो चलिए बच्चों सेक्शन डी पे पहुंचते हैं। बच्चों क्योंकि ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर इंग्लिश में जारी किया गया है, तो इससे आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको करवा रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मेन क्या है, आपका क्वेश्चनों को जानना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर आपको कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए आप पूरे के पूरी वीडियो को देखें और समझें कि कुछ तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है बच्चों। फिर है इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में ए और बी पार्ट है बच्चों। पहला है, हाउ आर वेरिएशन यूजफुल फॉर स्पीशीज इफ देयर इज ड्रास्टिक अल्टरेशन इन द नेशन। यानी कि वेरिएशन कैसे हेल्पफुल है, बदलाव कैसे एक पूरी आबादी के लिए हेल्पफुल है अगर उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आए। तो एक बदलाव, एक तो चीज़ समझ लीजिए बच्चों कि अगर मान लो कभी बदलाव हो और पूरी आबादी का एकदम सफाया हो जाए, ठीक है। ये वेरिएशन वाला चैप्टर आपका आप आगे आने वाले टर्म में पढ़ेंगे। इसमें इतना समझ लीजिए कि जब किसी आबादी का में बदलाव होता है तो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है या फिर सफाया हो जाता है उसका। अब उस आबादी में कुछ स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं या स्पेशल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास कुछ विभिन्नताएँ होती हैं, यानी वेरिएशन होते हैं। इसी वजह से वो जीवित रह पाते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व विविधता के कारण या वेरिएशन के कारण बच जाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो वेरिएशन किस लिए नेसेसरी है, किस लिए ज़रूरी है, कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उस चेंज के साथ एडॉप्ट करते हुए जीने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर है आपका बी पार्ट, एक्सप्लेन हाउ द यूट्रस एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि जब एक एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट शुरू हो गया, यूट्रस से वो अटैच हो गया प्लेसेंटा, तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, ये वो पूछ रहा है। आप कैसी कैसी कंडीशन में वो जीवित रह पाएगा। तो पहली चीज़ क्या है बच्चों, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, एक मोटी परत जो होती है, मोटी लेयर होगी, थिक लेयर के साथ जो आपका एम्ब्रॉय है वो अटैच करेगा और उसे कंटिन्यूस ब्लड की सप्लाई होती रहेगी। अब ब्लड की सप्लाई से क्या होगा, दूसरे नंबर वाली बात होगी। ब्लड की सप्लाई से, जो ब्लड की सप्लाई होगी, यानी जब वो अटैच हो गया ब्लड की सप्लाई से, उसे जितना नॉरिशमेंट चाहिएगा वो सारा का सारा नॉरिशमेंट उसे मिलता रहेगा, ठीक है। अब जब नॉरिशमेंट मिलेगा तो क्या होगा, नॉरिशमेंट मिलने से उसका पूरा का पूरा फिजिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। फिजिकल डेवलपमेंट शुरू हो गया तो चौथे नंबर की बात होगी। चौथे नंबर की बात क्या होगी, उसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जितना उसका चीज़ें हैं वो सारी की सारी बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि पूरा स्ट्रक्चर उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि सारी चीज़ें हो रही हैं तो उससे कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा। तो वेस्ट मटेरियल कैसे होगा, वेस्ट मटेरियल उसी तरीके से जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा, यानी कि ब्लड स्ट्रीम से ही बाहर की साइड में जाता रहेगा और चला जाएगा, ठीक है बच्चों। ये पूरी की पूरी 5 चीज़ें उसमें होंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने वाला क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, आखिरी क्वेश्चन कहता है, द डायग्राम अबव इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए हाउस होल्ड सर्किट। द हाउस शोन इन द अबव डायग्राम हैज 5 यूजेबल स्पेसेस वेयर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आर मेड। फॉर दिस हाउस द मेन हैव ए वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एंड द नेट चार्ज कमिंग फ्रॉम द मेंस इज 22 एम्पीयर। अब इसे समझ लीजिए बच्चों, हमारे पास एक चैप्टर है अगले टर्म में इलेक्ट्रिक करंट वाला, जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है बच्चों, ठीक है। अब उसमें क्या पूछ रहा है कि एक हाउस होल्ड सर्किट का आपको डायग्राम दिया हुआ है, कि इसमें डायग्राम में आपको बताया कि 5 कमरे हैं, सीधी भाषा में आप समझ लीजिए 5 कमरे हैं और 5 कमरों में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किए हैं। वहाँ पर जो विभवांतर है वोल्टेज है 220 वोल्ट का है और जो आवेश है विद्युत धारा या विद्युत धारा का आवेश है वो 22 एम्पियर का है, ठीक है। कनेक्शन कर दिया आपके, पूरा का पूरा समझ में आ गया। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको करने हैं बच्चों, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन टू ऑल द स्पेस इन द हाउस फ्रॉम द मेन। तो जो कनेक्शन जो स्पेस में किया गया है वो कैसा है बच्चों, समांतर या पैरेलल है। ठीक है बच्चों, अब क्या पूछ रहा है बच्चों ये, अब पूछ रहा है बच्चों ये कि द स्पेस 5 एंड 4 हैव द सेम रेजिस्टेंस एंड द स्पेस 3 एंड 2 हैव रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस 20 ओम एंड 30 ओम। स्पेस 1 हैज अ रेजिस्टेंस डबल दैट ऑफ स्पेस 5, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 5। ठीक है बच्चों, यानी कि ये पूरा रेजिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है कि 5 और 4 में सेम रेजिस्टेंस है और 3 और 2 में रेजिस्टेंस है 20 ओम और 30 ओम। जो स्पेस 1 में रेजिस्टेंस है वो 5 जो स्पेस पे रेजिस्टेंस है उसका डबल है, जस्ट डबल है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है हमें, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर स्पेस 5। अब सबसे पहले तो रेजिस्टेंस समझ लीजिए कि हमने क्या किया, रेजिस्टेंस जो 5 और 4 पे है उसे आर मान लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों पे सेम है तो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस क्या आ गया, पहला रेजिस्टेंस क्योंकि 5 का डबल है तो पहला रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम वाला। दूसरा रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 30 ओम वाला। तीसरा आ गया हमारे पास 20 ओम वाला। और चौथा कितने का आ गया, चौथा आ गया हमारा, ठीक है, कितना आपका 5 आर और आर, ये दोनों आर मान लिए हमने। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को आर मान लिया, 5 और 4 और 5 को हमने आर मान लिया, तो ये आपके रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है ये कि व्हाट इज द करंट इन स्पेस 3। तो करंट हमें निकालना, तो पहले पूरा इसे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, जरा से सॉल्व कर लेते हैं। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हमें निकालना है, हमें निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, आर इक्विवेलेंट कहाँ पे, 1/R1, 1/R2 और इसी तरीके से आपका 1/R3, 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, ये आपका पूरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो जब हम इन्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू डालेंगे, यानी 1/2R प्लस 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये लगभग आ जाएगा 150 प्लस 5R अपॉन 60R बच्चों। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो V हमारा 220 वोल्ट और R है हमारा कितना, 22 एम्पियर, तो ये मिल जाएगा हमें 10। तो जब हम इन दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे तो हमारा R आ जाएगा लगभग 50 ओम बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, R 150 हो गया, तो हमारा किस पे, फोर्थ और फिफ्थ पे 150 हो गया और उस पे कितना हो गया, डबल हो गया उसका, यानी 2R कितना हो गया, 300 वाला हो गया आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वाला तो हो गया पार्ट आपका, आप निकल गया हमारा, इससे बाकी रेजिस्टेंस निकल गए। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, सी पार्ट, व्हाट इज द करंट इन स्पेस 3, स्पेस 3 में कितना करंट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हो गया, तो वोल्टेज हमारा 220 रहेगा लगभग, रेजिस्टेंस 20, तो 11 एम्पियर के आसपास आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसका आखिरी पार्ट देख लेते हैं, व्हाट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द हाउस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंट टल हाई इलेक्ट्रिक करंट।
तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, हम एम सी बी या फ्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एम सी बी या फ्यूज़ क्या करते हैं, जो हाई करंट आता है उसे रोक देते हैं और अपने सर्किट को ब्रेक करके पूरे पूरे बाकी चीज़ों को बचा लेते हैं, किससे, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लॉस से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका सेक्शन डी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।